जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और नमस्ते बिहार में किस प्रकार जुड़े हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम लक्ष्मण सिन्हा। सबसे पहले हम आप सब मीडिया वाले को नमस्ते करते हैं, और हमारा फिल्म का टाइटल है नमस्ते बिहार। तो फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है, कमर्शियल फिल्म है। क्या है नमस्ते बिहार में हमें बताइए, क्या है उनकी बिहार की संस्कृति दिखाई जाएगी? बिहार की संस्कृति तो दिखाया गया है, साथ ही साथ बिहार के जो पूर्वज लोग वहाँ जन्म लिए थे, जैसे कि भगवान बुद्ध हो गए, सीता माता हो गई, और आपको ये अपना अशोक सम्राट, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, और नेता जो पुराने थे, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, कृष्णा बाबू, ये लोग वहाँ के, मतलब बिहार के लिए तो बहुत कुछ किए हैं, पूरे देश के लिए काफ़ी कुछ किए हैं, जिनको लोग नहीं जानते हैं और नहीं जान पा रहे हैं। तो हम अपने फिल्मों के माध्यम से, एक गाना के द्वारा, गाने के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये लोग पूर्वज जो हमारे जन्म लिए, बिहार के लिए क्या कुछ किए, पूरे देश के लिए क्या कुछ किए। फिल्म कमर्शियल फिल्म है, जिसमें सारे मसाला है, एक्शन, रोमांटिक, म्यूजिकल और कॉमेडी, सारे चीज़ जो आज चल रही है, आज के हिसाब से जो होना चाहिए फिल्मों में, वो सारे चीज़ दिए गए हैं। हमारे हीरो राजन कुमार जी ने बेहतरीन एक्टिंग किए हैं, और उनके साथ में जो सहयोगी कलाकार हैं, जैसे नेगेटिव रोल विलन करने वाले हैं अपना मनोज सिन्हा जी, इन्होंने भी बढ़िया काम किया है। सारे कलाकार बहुत बढ़िया योगदान दिया है, अपने अपने रोल को बढ़िया से निभाया है। तिशा खान जी भी अपना एक आइटम सॉन्ग किए है, बहुत बढ़िया उन्होंने अपना डांस का जलवा दिखाया है, जो दर्शकों को पसंद आएगा। लोकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या लोकेशन रखा? सिर्फ बिहार तक ही शूट किया कि बिहार के बाहर भी फिल्म की शूट की? ऐसा है जी कि पटना शूट किए हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, जमालपुर, मुंगेर, काफ़ी कुछ, मतलब बिहार को दिखाया गया है। बिहार में जो लोकेशन, मतलब कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, उसको हम लोगों ने एक्सपोज किया है, दिखाया है, और बाकी सब वही सेम है जो कुछ होता है। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि भाई, इस फिल्म को एक बार आप लोग जरूर देखें, देख के आपको पसंद आएगा, पूरे फैमिली के साथ जाएं, क्योंकि फिल्म में काफ़ी कुछ है, सभी लोगों को देखने की फिल्म है, एक साथ अपना पूरे परिवार के साथ बैठ करके देखने वाली फिल्में बहुत कम आती है जो इसमें है, जो सारे परिवार बैठ करके देख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके।